दालचीनी कर सकती है ब्लड शुगर को कंट्रोल, इस वीडियो में हम आपको दालचीनी को खाने के तरीके बताएंगे जिससे आप अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज डायबिटीज की समस्या एक आम समस्या बन चुकी है जिससे बड़े ही नहीं बल्कि छोटे भी तेजी से शिकार बन रहे हैं। ब्लड में शुगर लेवल के बढ़ जाने से दिल की बीमारी, किडनी का खराब हो जाना या फिर आंखों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसने पिछले 8 घंटे से कुछ नहीं खाया हो, उसका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल 70-99 mg/dL के बीच होता है, वहीं खाना खाने के बाद 140 mg/dL हो जाता है। अगर इससे अधिक हो तो आप ब्लड शुगर के मरीज हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दालचीनी को खाने के बहुत ही आसान तरीके बताएंगे जिससे आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वीडियो हम आपके लिए लाए हैं, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी शुगर की समस्या से परेशान है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें, और यदि ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं जो हमें कई छोटी मोटी बीमारियों से बचा सकते हैं। इन्हीं में से एक है दालचीनी, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सकती है। ये सेहत के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। औषधीय गुणों से भरपूर दालचीनी कई रोगों से निजात दिलाने के साथ साथ ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। दोस्तों, आप अपने ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन हम आपको बहुत ही आसान तरीके बता रहे हैं जिससे आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है दालचीनी। दोस्तों, आपको बता दें, दालचीनी में एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कई तरह के फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। दालचीनी के सेवन से शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है। ये ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने और नियंत्रित करने में मददगार है। यही नहीं, इसके रोजाना सेवन से आप मोटापे को भी कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आप ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए दालचीनी का कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1 कप पानी डालकर गैस पर गर्म करें। अब इसमें अदरक और दालचीनी का एक एक टुकड़ा डालकर उबाल आने दें। इसके बाद इसमें 1/2 चम्मच ग्रीन टी डालें और 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद गैस बंद कर दें और इसे कप में छान लें और थोड़ा सा नींबू डालकर इसका सेवन करें। दालचीनी को महीन पीसकर पाउडर बना लें, उसे गुनगुने पानी के साथ ले। दोस्तों, मात्रा का विशेष ध्यान दें, क्योंकि अधिक मात्रा में इस पाउडर का सेवन करना खतरनाक हो सकता है। 1 गिलास पानी में 2 इंच दालचीनी की छाल का टुकड़ा भिगो दे, इसे रात भर के लिए छोड़ दे और सुबह सबसे पहले इस पानी को खाली पेट पिए। दालचीनी अपने हल्के मीठे स्वाद के साथ ही ये एक प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में भी होती है। इसे आप चीनी के बजाय खीर, हलवा और बर्फी में पारंपरिक मीठे व्यंजनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी पाउडर के साथ मसाला चाय बनाएं या फिर कॉफी में मिलाएं, जो भी आप बना रहे हैं। दालचीनी के अनूठे स्वाद के साथ इसके विभिन्न स्वास्थ्य लाभकारी गुण आपके ब्लड शुगर को कम करने में मदद करेंगे। आप चाहे तो दलिया, सलाद, फ्रूट चाट आदि में शहद या चीनी के बजाय थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डाल सकते हैं। सब्जी बनाते समय उसमें थोड़ी सी दालचीनी जरूर डालें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दालचीनी के नुकसान। दोस्तों, यदि आपको इसके खाने की सही विधि नहीं पता और सही मात्रा में इसको नहीं खाया तो ये नुकसान भी कर सकती है। सूखी दालचीनी खाने से गले में छाले, जलन, सूजन व घाव की समस्या हो सकती है। साथ ही ना केवल गले में बल्कि सीने में भी तेज जलन हो सकती है। सूखी दालचीनी खाने से आपके फेफड़े हमेशा के लिए डैमेज हो सकते हैं, ऐसा इसमें पाए जाने वाले फाइबर के कारण होता है। तो दोस्तों, सूखी दालचीनी खाने से पहले मात्रा का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो
पसंद आई होगी। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे इस वीडियो से आपको ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें, और यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को प्लीज़ शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा आसानी से उठा सके। जय हिंद दोस्तों। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।